कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। कक्षा 9वीं के आपको बताया था मैंने पहले भी कि सामाजिक विज्ञान चार भागों में है, तो आज अपन समकालीन भारत एक के अंतर्गत अफवाह पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। अफवाह शब्द एक क्षेत्र नदी तंत्र की व्याख्या। अफवाह शब्द कैसे है दिया गया, मतलब इसको अफवाह शब्द एक क्षेत्र में नदी तंत्र की क्या करता है, व्याख्या करता है। और भौतिक मानचित्र में, जो भौतिक मानचित्र है, भौतिक मानचित्र में इसको देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं, आप देखिएगा नदी जब होती है उसमें कुछ छोटी छोटी धाराएं, एक मुख्य धारा तो होती ही होती है, उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी धाराएं भी उसकी निर्मित हो जाती है। छोटी छोटी धाराएं आकर मिल जाती है और मुख्य नदी का निर्माण करती है। इनका विकास किसी बड़े जलाशय जैसे, तो जो इनका विकास है वह किसी बड़े जलाशय जैसे झील हो गया, समुद्र हो गया और महासागर में, मतलब एक बड़ी नदी, छोटी छोटी नदियां आकर एक नदी में मिलती है, तो बड़ी नदी जाकर कहां मिल जाती है, उनका निकास होता है महासागर में होता है। बड़े जला एक नदी तंत्र द्वारा, मतलब जो एक नदी है तंत्र द्वारा जिसका क्षेत्र जल प्रवाह प्रभावित होता है, अफवाह द्रोणी कहते हैं। तब जो एक नदी होती है, एक नदी तंत्र होता है जिसका क्षेत्र जल प्रभावित होता है, वह क्या कहलाता है, अफवाह द्रोणी कहलाता है। मानचित्र का अवलोकन करने पर पता चलता है कि कोई भी जो ऊंचा क्षेत्र होता है, जो पर्वत होते हैं, ये जल विभाजक का एक चित्र है, तो उसमें धारा आ है और धारा वा, तो मतलब जल विभाजक का मतलब दो धारा में इसका मतलब होना। पर्वत और उच्च भूमि की दो पड़ोसी अफवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है, जो आप चित्र 3.1 में, मतलब जो एक पर्वत या उच्च भूमि होती है, तब कोई पर्वत होगा या उच्च भूमि होगा, तो जो एक धारा आएगी तो उसमें दो पड़ोसी अफवाह द्रोणी को एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक भी कहते हैं। आप देखिएगा पानी बह रहा है, पानी बहने पर आप देखिएगा अगर ऊंची कोई सतह आ जाएगी तो जो पानी बहते हुए आता है वो दो धाराओं में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसे कहते हैं जल विभाजक कहते हैं। भारत में अफवाह तंत्र, भारत का अफवाह तंत्र क्या है, भारत में अफवाह तंत्र नियंत्रण की भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। तो भारत का अफवाह तंत्र नियंत्रक है वो कैसा है, भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। इसके आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में क्या करते हैं, विभाजित किया गया है। जो भारत की नदियां हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदी और दूसरा है प्रायद्वीप नदी। तो हिमालय की नदी दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र से, जो हिमालय है प्रायद्वीप है, नदियां एक दूसरे से क्या है, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग है। हिमालय की अधिकतर नदियां कैसी होती है, 12 महीने क्या होता है, पानी बहता रहता है। जो हिमालय की नदियां हैं उनमें अधिकतर वो कैसी नदियां होती है, 12 मासी, उसमें साल भर पानी का प्रभाव होता रहता है, इससे जिससे उसमें पानी क्या होता है, वर्ष भर बना रहता है। इनमें इसके वर्ष में मतलब क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे मतलब जो वर्षा तो होती है, वर्षा के कारण नदियों में पानी तो होता ही है, लेकिन अत्यंत ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाला मतलब जो ऊंची ऊंची हिमालय में जो बर्फ जमी रहती है उससे भी क्या होता है, जब बर्फ पिघलती है तो उसके द्वारा भी उनको क्या होता है, जल प्राप्त होता रहता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियां जैसे हो गया सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तो हिमालय की दो प्रमुख नदी कौन सी है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र, ये पर्वतीय श्रृंखला होती है। इसकी पर्वतीय श्रृंखला में उत्तरी भाग में भाग से क्या करती है, निकलती है कौन कौन सी नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से क्या है, निकलती है। इन नदियों में पर्वतों को काट कर गर्जों का भी क्या करते हैं, निर्माण किया जाता है। जब कोई नदी का पानी जब बहेगा बहते रहते
उस पानी में क्या हो जाएगा, पर्वत क्या हुआ कट जाएगा, गर्जन का भी क्या करते हैं निर्माण करते हैं। हिमालय नदी अपने आप में, अगर जो हिमालय नदी है अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते की, मतलब जो जो हिमालय नदी से नदियां निकली होती है वह मतलब उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को क्या करती है तय करती है, और अपने मार्ग के ऊपरी भागों में क्या करती है? तो जो अपने मार्ग के ऊपरी भाग पर तीव्र अपरदन भी, मतलब उसमें जो नदी का ऊपरी भाग है उसमें क्या होता है तीव्र अपरदन भी होता है। आपको बता दो नदी की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, तो नदी का स्तर भी, नदी का स्रोत ऊपरी सतह पर, फिर ऊपरी भाग हो गया नदी का जिससे, फिर उसके बाद मध्य भाग नदी का और उसमें होते हैं विसर्ग, गोखुर में होते हैं, गोखुर झील होती है जिसका नदी का निचला भाग, और पिछले भाग के बाद डेल्टा नदी क्या बनाती है डेल्टा बनाती है। तो ये नदी के क्या हो गए आपको बता दूं, नदी की विभिन्न अवस्थाएं हैं, ये नदी की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो नदी, नदी का स्रोत होता है, नदी की ऊपरी सतह मध्य भाग, उसमें विसर्ग भी बनते हैं, गोखुर उस नदी से झील भी, झील का भी निर्माण होता है, और नदी कुछ नदियां जो होती है वह डेल्टा भी बनाती है। तो अपने अपने स्थान पर सिल्ट या बालू का संवाहन करती है। मध्य क्षेत्र जो मध्य भाग हो गया, और मध्य भाग में और निचले भाग में नदियों में क्या बनते हैं विसर्ग और गोखुर झील, तथा अपने द्वारा मतलब जो बाढ़ से आने वाले मैदान में बहुत सी अन्य विक्षेप आकृतियों का निर्माण भी करती है, ये पूर्ण विकसित डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपको मैंने बताया, आपने चित्र 3.3 में देखा कि भारी मात्रा में सिल्ट और वायु बालू हो गई, फिर मध्य क्षेत्र और निचले क्षेत्र में विसर्ग और गोखुर झील हो गए, और अपने मतलब जब नदी बहती है बाढ़ के साथ आने माने मतलब बाढ़ में मैदानों में बहुत सी विक्षेप आकृतियों का क्या करती है निर्माण भी करती है, और विकसित डेल्टा का भी, डेल्टाओं का भी क्या करती है निर्माण करती है। और प्रायद्वीप की नदियां कैसी होती है, नदियां मैंने आपको बताया अभी, नदियां दो प्रकार की होती है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप। तो अभी आपने हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ा, अब ये प्रायद्वीप नदियां हो गई। प्रायद्वीप नदियां जो होती है वह मौसमी होती है। कैसी होती है प्रायद्वीप नदियां, उनमें वर्ष भर क्या होता है, तो वह काय पर प्रभाव, काय पर निर्भर होती है, वह वर्षा के प्रभाव पर निर्भर होती है। तो इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर होता है। ये शुष्क मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। तो जो प्रायद्वीप नदियां होती हैं, अगर बारिश नहीं होगी उनका जल स्तर क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये छोटी छोटी धाराओं में क्या होंगी बहने लगती है। और हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कैसी होती, कम होती है, और वह छिछली होती है, मतलब वो ऊपरी सतह पर क्या होती है बहती है। और हिमालय की नदियां गहरी, क्योंकि वो छिछली नहीं होती, और ना ही उनकी लंबाई कैसी होती है कम होती है। फिर है कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से भी निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है। इस प्रकार की दो बड़ी नदियों का पहचान सकते हैं। तो प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां कैसी होती हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ क्या करती हैं बहती हैं। तो प्रायद्वीप नदियां जो होती हैं वह पश्चिम से होकर, प्रायद्वीप भारत में अधिकतर नदियां कैसी होती हैं पश्चिम से घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है मिलती है। फिर हिमालय की जो नदी होती है सिंधु तंत्र में ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलकर प्रमुख नदी, मतलब जो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय की तीन नदियां हैं जो प्रमुख नदियां हैं। और ये नदियां कितनी, नदियां कैसी हैं, लंबी हैं, तथा इनके महत्वपूर्ण मतलब जो ये नदियां जो है बड़े सहायक नदियां पर इस पर मिलती है, और इन नदियों को सहायक नदियां, नदी तंत्र कहा जाता है। मतलब जो ये बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें क्या करती है आकर मिलती है, और इसे तथा नदी तथा सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु तंत्र, सिंधु तंत्र कहां से, नदी का उद्गम कहां से हुआ है, मानसरोवर की झील से हुआ है। कहां से हुआ सिंधु तंत्र का उद्गम,
सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ है और ये पश्चिम की ओर क्या करती है, बहती है, भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और इसे एक बार बहुत सुंदर और दर्शनीय गर्ज का भी निर्माण करता है और ये जस्कन राष्ट्रो उन्नपुंजा नदियां इसमें मिलती है। ये जो की सहायक नदियां हैं इसमें कुछ क्षेत्रों में बहुत सहायक नदियां जो राष्ट्रो सिंधु में बलोचिस्तान गिलगित से बहते हुए अटककर पर्वतीय क्षेत्रों की क्या होती है बाहर निकलती है। इस पर सतलज ब्यास रावी चिनेवा झेलम ये आपस में मिलकर आ जाती है। पाकिस्तान में पठानकोट से सिंधु नदी मिल जाती है। इसके बाद नदियां दक्षिण की तरफ बहती है जो कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर क्या कर जाती है अरब सागर में ये मिल जाती है। तो सिंधु नदी के मैदान में ढाल बहुत कैसा होता है, धीमा होता है। वो भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब में तथा शेष भाग में पाकिस्तान में स्थित इसकी लंबाई में सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है। ये जो सिंधु नदी है विश्व की सबसे सिंधु नदी क्या है जो विश्व की सबसे क्या है लंबी नदी सिंधु नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी कितनी किलोमीटर 2900 किलोमीटर की है लंबी है और नदियों में से एक है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो आज अपन ने अफवाह पार्ट 3 भूगोल के अंतर्गत समकालीन भाग के अंतर्गत भूगोल भाग में आपने अफवाह पार्ट 3 पढ़ा। तो आपने आज अफवाह क्या होते हैं और भारत में अफवाह तंत्र कैसा क्या है और उसके बारे में दो प्रमुख जो भागों में विभाजित किया गया है हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप नदियां। आपने आज हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप नदियों के बारे में पढ़ा और सिंधु तंत्र जो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से इसको निकली हुई है इसके बारे में पढ़ा। जो सिंधु नदी कैसी नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है। धन्यवाद।